यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों को पता है कि गिटार के बीट्स काफ़ी पॉपुलर है। सो आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग गिटार के मेलोडीज बना सकते हो विदाउट नोइंग हाउ टू प्ले अ गिटार ऑब्वियसली। सो विद दिस मेथड्स काफ़ी प्लेसमेंट्स भी लाया है। उसमें से सबसे बड़े प्लेसमेंट है एक लैटिन इंडस्ट्री के लिए मैंने बनाया था, डुकी न्यूट्रो शॉटी और न्यू पिस्ता के लिए NL ब्लांको बोल के ये ट्रैक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप जाके सुन सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि आप गिटार मेलोडीज कैसे बना सकते हो विद जस्ट योर माउस। अगर तुमको अच्छा गिटार मेलोडीज बनाना है तो उसके लिए तुमको ना फर्स्ट अच्छे प्लगइन्स यूज करना पड़ेगा, और मेरे टॉप 3 जो प्लगइन्स है वो है कॉन्टैक्ट के एकूस्टिक गिटार, कॉन्टैक्ट के इलेक्ट्रिक सनबर्स्ट, फिर इलिया एफिमोफ का गिटार बंडल, एवोल्यूशन का हॉलीवुड ब्लूज, ये कॉन्टैक्ट के अंदर आते। सेकेंड जो है वो एम्पल गिटार के जो गिटार्स होते हैं वो तुम यूज कर सकते हो, कोई कोई पेड होते और कोई कोई फ्री होता है, फ्री वाले भी काफी अच्छा है। और थर्ड जो है वो है ओमनिस्फीयर, ओमनिस्फीयर में भी काफी साउंड अच्छे हैं गिटार के, फॉर एग्जाम्पल द नाइलॉन गिटार वो भी काफी अच्छा है। मैंने वो नाइलॉन गिटार यूज करके ही वो बिग प्लेसमेंट लाया था। तो ये 3 प्लगइन्स मेरे साइड से जो बेस्ट है वो मैंने तुमको बताया, और भी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी तुम रियलिस्टिक गिटार कैसे बनाओगे। सो गाइस ये एक मीडी एग्जाम्पल है जो मैंने क्लिक करके बनाया है, सो आपको सुनाता हूँ। सो आपको अगर ऐसे गिटार मेलोडीज बनाना है तो मैं अभी आपको फ्रेश बना के दिखाता हूँ, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सो यहाँ मैंने इलिया एफिमोफ का इलेक्ट्रिक गिटार प्रीसेट यूज कर रहा हूँ, कोई भी स्केल पिक करता हूँ। अगर आपको ये स्केल्स के बारे में जानना है तो मेरे लास्ट वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट करना। सो मैं यहाँ पे ई माइनर स्केल यूज करता हूँ। सो मैं अभी ई पे एक कॉर्ड बनाता हूँ, तो इसको थोड़ा स्ट्रम कराता हूँ। तो इसको बेसिकली कॉपी करके ये नोट को बेसिकली आप नीचे लेके सी पे लेके जाता हूँ। और ये डी पे लेके जाता हूँ। और नोट्स के लेंथ के साथ भी खेल सकते हो। ये हो गया मेलोडी जो मैंने बनाया, इसको थोड़ा सा मतलब वेरिएशन लाने के लिए इसको मैं एंड पे ये करता हूँ, और फिर तो एक बी सेक्शन बनाता हूँ उसको कॉपी करके, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टॉप नोट्स डालता हूँ। और ये FL Studio 21 का एक मस्त फीचर है, सो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमेनाइज वाला एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। सो मुझे सीड 1 काफी अच्छा लगा, आप देख सकते हैं कि वेलोसिटीज काफी रेंडोमाइज हो गए। जो आप रियलिस्टिक गिटार बनाना चाहते हो ना, तो बेसिकली आपको वेलोसिटी सेम नहीं रखना है, ताकि इसमें डायनेमिक रेंज रहे और काफी रियलिस्टिक साउंड करे। और नेक्स्ट स्टेप जो है, बेसिकली आप यहाँ पे क्या करें, जस्ट शिफ्ट M दबा के, कुछ रेंडमली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की दबाऊंगा और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दूंगा इसको। कोई भी रियलिस्टिक गिटार एकदम परफेक्टली कोई भी प्ले नहीं करता है, सो बेसिकली थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करने से और रियलिज्म आता है। Thank you.
सो गाइस, वो था ट्रिपलेट मेथड से आप कैसे मेलोडीज बना सकते हो गिटार के। और फिर अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लीड्स, टॉप लाइन लीड्स कैसे बना सकते हो। टॉप लाइन लीड्स बनाने के लिए तुम्हें दो स्केल यूज करना है, एक तो पेंटाटोनिक स्केल हो गया और एक है ब्लू स्केल। मैंने ये मेलेडी जो है, टॉप लाइन मेलेडी है, उसको मैंने ब्लू स्केल के थ्रू बनाया। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा, सो यू कैन सी कि मैंने ब्लू स्केल यूज करके कैसे वो ड्रीमी सा फील आया है। तो अभी मैं आपको पेंटाटोनिक स्केल प्ले करके दिखाता हूँ, और पेंटाटोनिक स्केल से भी आप अच्छे लीड्स बना सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फटाक से कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो मैंने ये जैसे एक रैंडमली प्ले किया था, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये नोट काफ़ी नीचे हो चुका है। इसको मैं क्विक क्वांटाइज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ह्यूमेनाइज करता हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा स्लाइड करके। सो ये था गाइस, पेंटाटोनिक स्केल यूज करके भी आप मस्त लीड बना सकते हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपको गिटार मेलेडीज पे रियलिस्टिक फील लाना है, तो आपको यूज करना है गुड इफेक्ट्स और गुड गिटार एम्पलीफायर्स। तो मैं आज आपको वो प्लगइन्स दिखाने वाला हूँ जिससे मैं अपने गिटार मेलोडीज पे डालता हूँ टू अचीव दैट साउंड। सो गाइस, इफेक्ट्स में जो मैं फर्स्ट प्लगइन यूज करता हूँ हमेशा, वो है गिटार रिग। काफी अच्छा प्लगइन है ये, अपना कंप्लीट बंडल के साथ आता है। इसमें काफी प्रीसेट्स से जो आप यूज कर सकते हो, क्लीन, डिस्टॉर्टेड, मैशअप, मॉड्यूलेटेड, पिच्ड, मतलब बहुत सारा प्रीसेट्स है जिससे आप खेल सकते हो। ये आपका नेक्स्ट हो गया, ये FL के स्टॉक प्लगइन है, उसका नाम है डिस्ट्रक्टर। और एक प्लगइन है, वो है हार्डकोर, आप ये भी यूज कर सकते हो। सो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, तो ये हार्डकोर प्लगइन भी काफी अच्छा है। फिर FL का जो डिस्ट्रक्टर प्लगइन है अच्छा है। सो इसके साथ अगर आप यूज करोगे तो एक रिवर्ब भी यूज कर सकते हो, इसमें काफी प्रीसेट्स है। नेक्स्ट प्लगइन है, वो मैं यूज करता हूँ एम्पलीट्यूब 5। इस पे भी काफी अच्छे अच्छे गिटार एम्प्स है जो आप अपने गिटार मेलोडीज पे यूज कर सकते हो। सो बेसिकली ज्यादा लाउड होता है तो आप नॉब के साथ यू कैन ब्लेंड इन। सो नेक्स्ट इफेक्ट्स है वेव्स का, गिटार एम्प्स गाइस, उसको भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लोड किया, तो इसमें ये बिग ड्राई क्लीन का प्रीसेट मैंने यूज किया है। इसमें काफी प्रीसेट्स है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये क्लीन क्लीन ट्रिम भी मैं यूज कर सकता हूँ। सो गाइस, वो थे मेरे टॉप प्लगइन्स जो मैं यूज करता हूँ अपने गिटार मेलोडीज पे टू ब्रिंग इन दैट रियलिस्टिक गिटार फील। ये वीडियो अब होपफुली तुम लोग को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो भाई कमेंट और लाइक कर देना। अगले वीडियो पे जरूर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइस, पीस आउट।